नमस्ते स्टूडेंट्स, आपणे जे स्टॉपिंग डिस्टन्स वाळू उदाहरण 7 जोयू 3.7 एना परनो स्वाध्यायमां एक दाखलो छे। स्वाध्यायनो छठ्ठो दाखलो मटेरियलमां पण आप्यो छे, एनी आपणे आजे चर्चा करशुं। आपणे आवुं आप्युं छे, सुरेख राजमार्ग पर सुरेख राजमार्ग पर 126 किलोमीटर प्रति कलाक जेटली झड़पे, एटले प्रारंभिक झड़प आपी छे, दौड़ी रहेली एक कार 200 मीटर अंतर कापीने उभी राखवी छे। एटले आ स्टॉपिंग अंतर थयुं, उभी राखवी छे एटले, तो कारनो नियमित प्रति प्रवेग केटलो थाय, एटले आपणे ए गोतवानो छे। अने बीजुं आप्युं छे कि कारने स्थिर थवा माटे केटलो समय लागशे। तो सोल्यूशन आपणे पहेला डेटा कलेक्शन करी नाखीए। कार नी प्रारंभिक झड़प v0 बराबर 126 किलोमीटर प्रति कलाक, आने जो आपणे मीटर प्रति सेकंड में फेरवीए तो ए थशे 35 मीटर प्रति सेकंड। कारनु स्टॉपिंग अंतर ds बराबर 200 मीटर, अने आपणे गोतवानुं छे प्रति प्रवेग a बराबर केटलुं, अने बीजुं स्थिर थवा माटे लागतो समय t केटलो। बे वस्तु आपणे गोतवानुं छे। तो पहला आपणे स्टॉपिंग डिस्टन्स गोतीए, वी स्क्वेर माइनस वी झीरो स्क्वेर बराबर 2 ए एक्स में उपरोक्त किंमतों मुकता, वी स्टॉप थाय एटले ए झीरो थाय स्क्वेर, माइनस प्रारंभिक वेग 35 ए आपणने आप्यो छे स्क्वेर बराबर 2 ए प्रति प्रवेग, तो आपणे ગોતવાનો છે અને એ માઇનસ હશે, પ્રતિ પ્રવેગ છે એટલે, અને એક્સ અંતર આપણને આપ્યું છે સ્ટોપિંગ અંતર 20, તો ધેરફોર આ 35 નો વર્ગ જો તમે કરો તો એ 1225 આવશે, 1225 માઇનસ આ થશે 400 ઇન્ટુ એ, ધેરફોર જો આ ભાગાકાર કરો તો એ મળશે 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वेर। अने जो तमे 3.06 एम लखता हो तो आ प्रति प्रवेग छे एवुं लखवानुं, अने नहींतर खाली ए एम ने राखो, अहींया माइनस न लो तो तमने ए माइनस मळशे, जे एवुं सूचवे छे के ए प्रति प्रवेग ज छे। अने वी बराबर वी झीरो प्लस ए टी मां ઉપરોક્ત કિંમતો મૂકતા હવે આપણને એ મળી ગયો છે, એટલે આપણને સ્ટોપિંગ સોરી કેટલા સમય પછી એ અટકશે એ મળી જશે। તો વી અંતિમ વેગ 0 છે, વી 0 એ આપણને આપ્યો છે 35 વત્તા આ માઇનસ 3.06 ઇન્ટુ ટી, અને આની જો ગણતરી કરવામાં આવે તો ટી આપણને મળે છે 11.44 સેકન્ડ, એટલે લગભગ 11.5 સેકન્ડ ની પછી એ અટકી જશે। તો આ સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ પરનો સ્વાધ્યાયમાં આપેલો એક દાખલો છે, એ તમે પછી કરી નાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ।